हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स पार्ट, ठीक है, जो कि लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x/2 -5y/3 = -2। ये इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है बाई सब्स्टिट्यूशन मैथड, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑफ 10 क्या पाएंगे, देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, y के फॉर्म में। ये हो जाएगा 3x/2, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, तो -2 और ये प्लस 5y/3, इसको 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे चल के, ये हो जाएगा 3x/2 = इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा LCM, LCM इसका 3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -6 और ये प्लस 5y, ठीक। और इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 में इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -12, और इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10y, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो अभी रहने देते हैं 3, अभी नीचे रहने देते हैं, यहाँ पर 3 ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे, अब यहाँ पर x है, ये 3 यहाँ पर मल्टी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे क्या, -12 और प्लस 10y, और इधर आके 3 डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में 3 जाके हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -12 और प्लस 10y/9 हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 3 मानेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, क्या करना है, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। चलिए सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसको देखते हैं, देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये था, इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो एक्स जगह क्या पुट करेंगे, -12 और प्लस 10y अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 9 डिवाइडेड बाई 9 और प्लस वाई बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटी चीज़ आपको समझाता हूँ कि अगर 1/2 में डिवाइड होता है 3 का, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 3, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल, मतलब ये 1/2 और 3 में क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, -12 और प्लस 10y और 9 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 1/3 हो जाएगा, और 1/3 का नीचे इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस y/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/6। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, तो 27 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 27, तो 9y यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं ध्यान से, इस और 9y आ गया, अब यहाँ पर क्या बचा है, 13/6 बचा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर क्या था, 2 था, हमने यहाँ गलती से लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिखते हैं, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे, ठीक है, इस लाइन को, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54, 27 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 54, अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 24 -24 और प्लस कितना हो जाएगा 20y, और फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा +27y हो जाएगा, कितना हो जाएगा +27y हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/6, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब इसको देखिए कट करते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे 54 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 6 1 6 और 6 9 होता है, ठीक है, तो इधर चला जाएगा, अब इसको मतलब 6 9 सामने सामने नीचे नीचे था, तो हमने कट कर दिया, 9 उधर चला जाएगा, ये बचा क्या 24 और प्लस 20y प्लस 27 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए हो जाएगा 47y, ये हो जाएगा 13/9 या कितना होता है 117, और ये प्लस इधर आएगा -24 तो ये +24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 141, इधर आके 47 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 47 3 कितना हो जाएगा 141, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, अगर यहाँ पर लिखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक। आगे चलते हैं, जब y की वैल्यू 3 आ गई तो क्या करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूट, नाउ यहाँ लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 3, ठीक है, 3 में हम पुट कर लेते, देखिए 3 हमने क्या माना था मैं आपको बता दूँ, 3 हमारा ये था, ठीक है। अब सीधा सीधा यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू -12 और प्लस 10 × 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 9, तो लिखेंगे क्या, ये -30 और 30 में से माइनस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास
ये हो जाएगा 10 3 30, 30 में से अगर माइनस 12 करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 बाई 9 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा देयरफोर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया था, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बस वो y बाई 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, तो y बाई 3 लिख दिया था। ठीक है, फिर भी मैं आपको अच्छे समझा दूँ, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी। ठीक है, चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। मैंने पूरे डिटेल में आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर है नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो देखते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कुछ अच्छा सा जरूर किया करिए, लाइक जरूर किया करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। Thank you.